हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यू वी लर्न में। आज हम क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये न्यू सिलेबस है, जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। पहले ये चैप्टर नंबर 13 होता था पिछले साल तक, अब ये चैप्टर नंबर 10 में है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट है इसमें, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं जैसे डैश डैश तथा डैश। तो कृत्रिम चुंबक जो इंसान बनाता है चुंबक, वो किस किस तरह के हो सकते हैं, किस किस शेप के होते हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें आएगा छड़ चुंबक जो रॉड की शेप में बार की शेप में होती है, सेकेंड नाल चुंबक जो यू शेप में होती है घोड़े की नाल की शेप में, और थर्ड बेलनाकार चुंबक बेलन के आकार की। सेकेंड है इसमें ख, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे डैश कहलाते हैं। चुंबक जिन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, चिपक जाते हैं चुंबक से, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ आएगा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ग, कागज़ एक डैश पदार्थ नहीं है, कागज़ को चुंबक के पास ले जाएं तो कागज़ चिपकता नहीं है, आप जानते हैं, तो इसलिए कागज़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। घ है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। तो यहाँ भी आएगा चुंबक, चुंबक का टुकड़ा लटका के पुराने टाइम में लोग दिशा का पता लगाते थे। कैसे, चुंबक जो होती है उसको जब हम धागे से बांधकर फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ रुकती है, तो उससे दिशा का पता चल जाता है कि कौन सी दिशा उत्तर है कौन सी दक्षिण है, और इस हिसाब से पूर्व और पश्चिम का भी पता चल जाता है। तो इसलिए चुंबक का टुकड़ा लटका कर पुराने टाइम में लोग दिशा का पता लगाते थे। लास्ट है, चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तर दिशा की तरफ जो हिस्सा रुकता है उसको जब लटकाते हैं वो उत्तरी ध्रुव होता है, और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो दो ध्रुव होते हैं, दो यहाँ पर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो सही गलत बताना है। फर्स्ट है इसमें, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। अभी हमने जाना कि दो ध्रुव होते हैं हर चुंबक में होते हैं, तो एक ध्रुव वाला कोई चुंबक नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। आपने बुक में पढ़ा होगा कहानी कि चुंबक कैसे खोजा गया, तो वो प्राकृतिक चुंबक था जो चट्टान के अंदर मिला था, वो यूनान में खोजा गया था। लेकिन कृत्रिम चुंबक का मतलब है इंसान ने जो पहली बार चुंबक बनाया वो यूनान में बना, ये गलत है। यूनान में नहीं, वो बना था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में पहली बार चुंबक बनाया गया था, ये यहाँ पर जो यूनान में बना था ये गलत लिखा है। प्राकृतिक चुंबक के बारे में बोला था तो सही होता। नेक्स्ट है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक जो होती है उसमें एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दो चुंबक जो हों उनके अगर एक जैसे ध्रुव आपस में आमने सामने लाए जाएँ, उत्तर के सामने उत्तर या दक्षिण के सामने दक्षिण, तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, उसे कहते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये सही है, एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। और अलग अलग ध्रुव आए, एक उत्तर और एक दक्षिणी ध्रुव, दो चुंबक लिए, एक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव आमने सामने लेकर आओगे तो वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। लोहे का बारीक चूरा ले लें तो उसे अगर छड़ चुंबक के पास रखें तो वो सेंटर में बीच में उस चुंबक के चिपकेगा, ये यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी एक्टिविटी भी बुक में दी हुई है। तो चुंबक के पास लोहे का चूरा लेकर आए तो उसके सिरों के पास ज़्यादा चिपकता है, सेंटर में कम चिपकता है, क्योंकि उसकी पावर ही सिरों के पास ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो ये सही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, छड़ चुंबक को अगर आप लटकाओगे धागे से बांध के तो उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ रुकेगी वो हमेशा। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। कंपास एक छोटा सा उपकरण होता है, गोलाकार होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है और ऊपर से कांच लगा होता है, और उसके अंदर एक सुई होती है जो चुंबक की बनी होती है और वो फ्रीली घूम सकती है, और क्योंकि वो चुंबक की बनी हुई है तो इसलिए हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाती है। वो जो सुई है उसकी नोक हमेशा उत्तर की तरफ और उसकी पूंछ दक्षिण की तरफ होती है। तो इसलिए किसी भी जगह पर अगर आपको दिशा देखनी है तो उस कंपास को आप सीधा करके पकड़ेंगे हाथ में और वो आपको उत्तर दक्षिण दिशा बता देगी, और उत्तर दक्षिण दिशा पता चल जाए तो उसके हिसाब से हमें पूर्व और पश्चिम दिशा भी पता चल जाती है। तो ये सही कथन है। इसके बाद लास्ट है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। हम जानते हैं रबड़ को चुंबक के पास लेकर जाएं तो वो चुंबक से आकर्षित नहीं होती है, चिपकती नहीं है चुंबक के साथ, इसलिए ये
गलत है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक मतलब शार्पनर, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया है। तो चुंबक के पास हम शार्पनर को लेकर जाए तो चुंबक से वो चिपक जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से वो चुंबक से चिपक रहा है, तो उस पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग इसमें किया गया है। तो आंसर बनेगा, इसका ब्लेड बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया गया है, बस इतना सा। तो उसमें जो ब्लेड लगा होता है जिससे हम पेंसिल को शार्प करते हैं वो लोहे का बना होता है और लोहा चुंबकीय पदार्थ है इसलिए वो चिपक जाता है। तो बस इतना सा शॉर्ट सा लिखना है आपने, इसका ब्लेड बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम एक में दर्शाई गई हैं, कॉलम दो में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ चुंबक हैं, दो चुंबक हैं, उनके अलग अलग ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाकर क्या होता है वो यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम टू में है, तो इसको आपको जो भी यहाँ पर खाली स्थान है उनको पूरा करना है, भरना है। इस तरह से ये टेबल बना है, कॉलम एक और कॉलम दो हैं, कॉलम एक में लिखा हुआ है नॉर्थ नॉर्थ, यानी कि दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के पास लाए। अब दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव मतलब सेम ध्रुव लेकर आए, और सेम जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, उसे कहते हैं प्रतिकर्षित करना, तो प्रतिकर्षण यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्थ डैश, और आगे लिखा है आकर्षण, तो नॉर्थ के साथ उत्तरी ध्रुव के साथ कौन सा ध्रुव लेकर आए जो आकर्षित हो जाए, चिपक जाए, तो अलग अलग ध्रुव ही आकर्षित होते हैं, तो इसलिए नॉर्थ के साथ साउथ आएगा, उत्तर के साथ दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो एस लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है साउथ नॉर्थ, तो यहाँ भी अलग अलग ध्रुव हैं, एक साउथ है एक नॉर्थ है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है इसलिए यहाँ पर आकर्षण होगा। नेक्स्ट डैश एस प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण के लिए दोनों सेम ध्रुव चाहिए, एक एस है तो दूसरा भी एस ही होगा, यानी कि साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, तो चुंबक के गुण लिखने हैं यहाँ पर कोई दो, आंसर में आप लिख सकते हैं फर्स्ट, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ये हमने बात की है पहले, और सेकंड, दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर दोनों चुंबकों के अलग अलग ध्रुव आए नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ तो वो आकर्षित करते हैं चिपक जाते हैं, और एक जैसे आए जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ तो वो प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर दो गुण लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये गुण भी लिख सकते हो यहाँ पर कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकती है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, तो आंसर होगा छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों के नजदीक होते हैं। छड़ चुंबक का मतलब है बार के शेप की चुंबक है, आयत के आकार की, और इस चुंबक के जो ध्रुव हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वो इसके सिरों के नजदीक होते हैं, सिरों के पास इसके ध्रुव होते हैं, एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव दूसरे सिरे के पास दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है, तो छड़ चुंबक पर वैसे एक निशान लगा होता है, या तो एन लिखा होता है नॉर्थ पोल के लिए या एक डॉट लगा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि इसमें उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, लेकिन अगर निशान ना हो तो कैसे पहचान करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आंसर इस तरह से देंगे, हम इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, धागे से बांध के फ्रीली लटका देंगे, इसका जो सिरा उत्तर दिशा की ओर लगेगा उसी सिरे के समीप इसका उत्तरी ध्रुव स्थित होगा, तो लटकाने पर उत्तर की दिशा में जो इसका सिरा रुकेगा वही उत्तरी ध्रुव होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में ही रुकता है इसका उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव दक्षिण की तरफ रुकता है, तो इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे, तो लोहे का टुकड़ा है, लोहे की पतली सी पत्ती है, उसको चुंबक बनाना है, कैसे बनाएंगे, आंसर इस तरह से देंगे, हम एक छड़ चुंबक को इस लोहे की पत्ती पर एक दिशा में 30-40 बार रगड़ेंगे, इससे यह एक चुंबक बन जाएगी। तो छड़ चुंबक लेनी है और उस लोहे की पत्ती पर एक दिशा में आपने 30-40 बार रगड़ना है और उससे वो चुंबक बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है, ये हमने पहले भी जाना, इसी को आपने यहाँ लिखना है, थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है आंसर, पर इसको समझ लेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। तो कंपास का उपयोग कैसे होता है, हमने पहले भी बात की, सेम वही लिखा हुआ है, कंपास में एक चुंबकित सुई होती है, चुंबक होती है एक सुई,
जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, फ्रीली घूम सकती है। यह सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रुकती है, तो उसका जो सिरा है वो उत्तर दिशा की तरफ रुकता है। इसलिए कंपास में देखकर यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारी दाईं ओर पूर्व दिशा, बाईं ओर पश्चिम दिशा और हमारी पीठ के पीछे दक्षिण दिशा होगी। क्या कहा इसमें कि कंपास जो होती है उसमें सुई होती है जो चुंबक की बनी होती है और वो फ्रीली घूम सकती है, और जब उसको हम हाथ में पकड़ेंगे तो उसकी जो सुई है वो उत्तर दिशा की ओर रुकेगी। अब उत्तर दिशा आपको पता लग गई, उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओ, और मुंह करके जब आप खड़े हैं वहां पर तो आपके दाईं ओर यानी कि सीधे हाथ की ओर पूर्व दिशा हो जाएगी, बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा हो जाएगी और पीठ के पीछे दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो सारी दिशाओं का आपको पता चल जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम एक में तथा संभावित कारण कॉलम दो में दिए गए हैं। कॉलम एक में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम दो में दिए गए कथनों से कीजिए। तो एक टब है, उसमें पानी लिया हुआ है, पानी के ऊपर एक नाव तैर रही है, खिलौना नाव है, टॉय बोट है, और उसके पास एक चुंबक ला रहे हैं अलग अलग दिशाओं से। फिर उससे क्या हो रहा है वो आपको कॉलम वन में दिया हुआ है, और उससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या पता चलता है, वो कॉलम टू में दिया है, इनको मिलान करना है। तो ये है वो कॉलम वन और टू, और कॉलम वन में ये दिए हुए हैं प्रभाव, चुंबक से क्या क्या असर हो रहा है, और उसका क्या कारण क्या वजह रही होंगी वो कॉलम टू में दिया हुआ है, ये आगे पीछे है, इनको मिलान करना है। तो पहले इनको साइड में कर देते हैं और एक एक करके इनको देखते हैं। तो फर्स्ट है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। नाव के पास चुंबक लेकर गए और नाव चुंबक की तरफ खींची चली आ रही है। इसका मतलब नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी है, कुछ ना कुछ लोहा या इस तरह का मटेरियल यूज हुआ होगा जिससे वो चुंबक के पास आ रही है। तो चुंबकीय पदार्थ से बनी है, इससे हम इसको मिलान कर लेंगे। सेकेंड है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, नाव के ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो वो अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। थर्ड, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। तो नाव का जो फ्रंट पार्ट है, आगे का हिस्सा है, उसके पास उत्तरी ध्रुव लेकर आए चुंबक का, और चुंबक के पास नाव खींची चली आई, आकर्षित हो गई। तो उत्तरी ध्रुव से आप जानते हैं दक्षिणी ध्रुव आकर्षित होता है, इसका मतलब नाव में चुंबक लगी है और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आगे की तरफ है नाव में। तो इसके साथ आप मिलाएंगे इसको, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, दक्षिणी ध्रुव से खींचा हुआ। नेक्स्ट, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो वही काम फिर से किया, उत्तरी ध्रुव नाव के फ्रंट वाले पार्ट के आगे लेकर आए, लेकिन इस बार नाव चुंबक से दूर चली गई, प्रतिकर्षित हो गई, दूर धकेल दिया, और उत्तरी ध्रुव को दूर धकेलता है उत्तरी ध्रुव, सेम पोल, तो उसी से आप मिलाएंगे, नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। और इसके बाद लास्ट है, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव की दिशा नहीं बदल रही है, जैसे चल रही थी वैसी चलती रहती है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि उसमें चुंबक है ही नहीं अंदर, क्योंकि चुंबक से कोई असर नहीं हो रहा। तो सेकंड पार्ट जैसा था उसी तरह का हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इसके मिलान करने के लिए ऑप्शन दिए थे सामने, उसमें इस तरह का और ऑप्शन नहीं था, एक ऑप्शन बचता था, वो यहाँ पर था, नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया। लेकिन चुंबक लगा होता तो या तो आकर्षित होता या प्रतिकर्षित होता, लेकिन क्योंकि कोई असर नहीं हो रहा इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होना था। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका सामने ठीक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यही था एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ सामने रख दिया है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है, इसका होना चाहिए था कि नाव में कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, लेकिन वो यहाँ पर था नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर आंसर्स दिए हैं मैंने, और आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।